वजीरगंज प्रखंड के बढ़ी बिघा उखड़ा गांव में रविवार को भूमि बंटवारों को लेकर विवाद में बड़े भाई शिव कुमार महतो ने अपने छोटे भाई संजय कुमार महतो को, उसकी पत्नी गायत्री देवी, उसकी 19 वर्षीय पुत्री नीलम कुमारी को तलवार से हमला कर घायल कर दिया। वजीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मेडिकल रेफर कर दिया। विदित हो कि दोनों भाइयों में बंटवारे को लेकर विगत कई वर्षों से विवाद चल रहा था। एक माह पूर्व भी शिव कुमारी महतो के छोटे भाई की पत्नी एवं उसके छोटे बेटे एवं दोनों बेटियों के साथ छेड़छाड़ के साथ लड़ाई झगड़े के बाद मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया था, जिसका आवेदन वजीरगंज थाना में करवाया गया था, लेकिन मामला रफा दफा कर दिया गया था। आपका नाम क्या हुआ? गायत्री देवी। घर कहाँ है? ग्राम उखड़ा बड़ी बिघा सर। अच्छा, ये लड़ाई कब से चल रहा था? लड़ाई तो ये 19 तारीख से कर रहा है सर। मैंने कारण क्या, कौन जमीनी कारण कुछ नहीं था उस दिन। क्या था घटना होता है? आज तो उन लोग अचानक सामान वान निकाल के रखे थे, पिस्टल लेके घूम रहे थे सर सुबह दोपहर में, कि उसको मार देंगे। आज तो हम लोग को पता नहीं था सर। मेरे पति आए मार्केट से और स्कूटी लगाए, उसके बाद उन लोग गड़ासा और लाठी लेके तैयार हो गया मेरे दरवाजा। मेरे पति पर मारा सर के ऊपर, वो गिर गए। उसके बाद इन लोग को, मैं तो उधर से आई खेत देने, मेरी लड़की साथ में थी, छड़खानी किया उसके बाद, और देखिए पूरा कपड़ा फाड़ दिया उसका। वो दामाद जो है रंजन और लड़का था रवि कुमार, मुकेश से नाक काट दिया, वही मुकेश कुमार था सर, मुकेश कुमार था, नाक काट दिया। और वही अभी आप लोग कहां जा रहे हैं? हां सर, बहुत सीरियस है मेरे पति सर, और इसके साथ छेड़खानी किया है, और इसका, ये लड़की के साथ या इसको धमकी देता था सर रवि कुमार की गया और वजीरगंज में कहीं भी देखेंगे तो इसको कुछ भी करेंगे। मैं इसका भी एप्लीकेशन, घायल करने वाला कौन है? और सिकुमार, अरे रवि कुमार और मुकेश कुमार दोनों। बिहार से केकेटीवी संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। वजीरगंज फतेहपुर सड़क मार्ग पर चट्टी मोड़ के निकट रविवार को दो ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक ऑटो पर सवार चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय ग्रामीणों एवं उनके स्वजनों की सहयोग से इलाज के लिए वजीरगंज सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के बाद तीन लोगों को गया मेडिकल रेफर कर दिया गया। सभी घायलों के परिवार के सदस्य मौजूद थे, जो वजीरगंज के डाक स्थान से पूजा पाठ एवं प्रसाद ग्रहण कर वापस अपने गांव जुमरी जा रहे थे। बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तुफैल खान हुआ। घर कहाँ हुआ? बदौवा हुआ। अच्छा, आप लोग कहाँ से आ रहे थे, कैसे घटना हो गई? नहीं, हम उधर से आ रहे थे, तो ऑटो वाला आगे आगे था, उससे करीब करीब दो तीन बस पीछे थे हम, लगभग 50 मीटर के पीछे थे। उतने हम देख रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में एकदम स्टैंड करते हुए ऑटो चला हुआ जा रहा है। फतेहपुर की ओर से आ रही है? जी हाँ। और हाँ, और इधर वजीरगंज की ओर से ये लड़का जा रहा था ड्राइवर। हाँ। और वो देख रहे हैं कि नचाते हुए ओवर कॉन्फिडेंस में एकदम चला हुआ आ रहा। जी हाँ। और ये किनारे में था, लेफ्ट साइड में, जो इधर से जाने वाली रूट फतेहपुर की तरफ है, तो लेफ्ट साइड में था, और सामने से आके एकदम किनारे में जो है लेफ्ट साइड में मारा, और मारने के बाद इसका गाड़ी जो है इस तरफ हो गया। कितने लोग घायल हो गए हैं? घायल तो लगभग किसी का सर फटा हुआ है, किसी का जो है हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर। कितने घायल? चार पांच लोग घायल है, गंभीर रूप से है। हाँ जी हाँ। जिसको अभी वजीरगंज अस्पताल में है, यहाँ से रेफर किया गया है गया मगध मेडिकल कॉलेज। पांच लोग जख्मी आए थे मेरे हॉस्पिटल में, सब लोगों का चिकित्सक के कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें तीन की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसको सारा इलाज करते हुए उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया, जिसमें दो तीन लोग जो हैं उनका फ्रैक्चर है, इसी वजह करके उसको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया। एम्बुलेंस तो लगी हुई है, एम्बुलेंस
है, अब लोग ये लोग जितना जल्दी करें आगे इलाज कराने के लिए भेजा जाएगा। एम्बुलेंस मेरे यहाँ है, फिलहाल आपके अस्पताल में शायद सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। क्या क्या उपलब्ध हैं? सारी सुविधाएँ, दवा है, इमरजेंसी जो भी ड्रग है, ओपीडी ड्रग है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो होनी चाहिए। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर एजाज हूँ। मैं डॉक्टर एजाज अहमद, मेडिकल ऑफिसर, PSC विजीत सिंह। घर कहाँ हुआ? बरहोरिया। अच्छा, अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, आप ड्राइविंग कर रहे थे? जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कैसे क्या हुआ? डाकवा से सर घर जा रहे थे। घर कहाँ? बरहोरिया पड़ता है सर। अच्छा, तो कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? डाकवा से जो स्कूल के आगे जो पड़ता है ना सर, उसका उसरी मोड़ पड़ता है वहाँ पे। कैसे हुआ, क्या हुआ? सर हम लोग जा रहे थे, पूरे आदमी स्लो में जा रहे थे और बातचीत। आप लोग ऑटो पर कितने आदमी थे? सर 2-4-10 आदमी थे, वो मतलब जो भी थे फुल थे। फुल थे। अच्छा, उधर से जो आ रहा था गाड़ी, कैसे क्या हुआ? कौन गाड़ी था? ऑटो ही था? ऑटो ही था। अच्छा, तो सर हम जो है बोल रहे हैं कि देख रहे हैं, कुछ दूर देख रहे हैं कि गाड़ी आ रहा है ना, चेते हुए लगता है मार देगा। हम जो नीचे कर लिए, एक चक्कर नीचे करिए, उसका बाद ही बोला कि हाँ मार दे तो बाबू। और नीचे करते करते जो है ना, वो आके मारिए दिया। अच्छा, तो उसके बाद क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान सर जो हुआ तो हम तो देख नहीं पाए सर, चोट लग गया तो। सवारी का क्या क्या नुकसान हुआ? वो सब जो सवारी घायल हुए हैं बताइए। मदन मेडिकल में सर भेजे हैं, 4 रेफर हुआ है। दो महिला, जो दो एक महिला एक जेंट्स एक बच्चा। अच्छा, उसका जो उधर से आ रहा था, उसका गाड़ी का क्या नुकसान हुआ? पूरा उन लोग भाग गया है? उन लोग भाग गया सर, हम लोग के मार के जो भाग गया, उन लोग पकड़ाया भी नहीं सर। अच्छा, वहाँ पर बिहार से KK News बताता दीपक कीर्को।